श्रीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा ने एयरपोर्ट पर अगवानी की। 3 दिन के दौरे में सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, यूनिफाइड कमांड की बैठक में शिरकत करेंगे। शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के परिवार से मिले अमित शाह, इंस्पेक्टर को आतंकियों ने मारी थी गोली। अमित शाह ने शहीद परवेज अहमद डार के परिवार से मुलाकात की, परिजनों का हौसला बढ़ाया। मुलाकात कर पत्नी को सरकारी नौकरी देने की बात कही, कहा कि मुझे और पूरे देश को उनके बहादुरी पर गर्व है। आज से शारजा और श्रीनगर के बीच इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होगी, अमित शाह करेंगे उद्घाटन। अमित शाह के दौरे से पहले श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की 50 से अधिक कंपनियां तैनात की गई। श्रीनगर में करीब 8 साल बाद लगे बंकर, हालात सुधरने के बाद 2014 में शहर से हटा लिए गए थे बंकर। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद बड़ी सतर्कता, निगरानी के लिए पुलिस और सीआरपीएफ कर रही है ड्रोन का इस्तेमाल। अमित शाह की कश्मीर दौरे से पहले एक्शन में एनआईए, टारगेट किलिंग, आतंकवादी हमलों की साजिश के मामले में 6 जिलों में छापेमारी, आतंकवादी संगठनों के 8 मददगार गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर से 26 आतंकवादी आगरा जेल में शिफ्ट किए गए, वायुसेना के स्पेशल फ्लाइट चलाए गए। अमित शाह के दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कहा जम्मू और कश्मीर के नए शिल्पकार हैं शाह, पीएम के नेतृत्व में कर रही है जनता को विकास और राजनीति में हिस्सेदारी देने का काम। नकवी ने कहा कि शाह के दौरे से खानदान और पानदान की सियासत पर करने वालों में बेचैनी, पूर्व सरकारों ने जान भागीदारी और जन भागीदारी पर ध्यान देने के बजाय जम्मू कश्मीर को अपनी जागीरदारी समझकर इस्तेमाल किया। कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी, गुलमर्ग की घाटी में बिछी सफेद चादर, घरों से लेकर मैदान तक बर्फ जमा। गुलमर्ग से लेकर पहलगाम तक बर्फबारी, रजौरी के पुंछ से जोड़ने वाले मुगल रोड को भी बंद किया गया, बर्फबारी के कारण मुगल रोड बंद। करगिल में भी जबरदस्त बर्फबारी, घर पेड़ और गाड़ियों पर बिछी सफेद चादर। श्रीनगर में भी बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर में सुबह से हो रही हल्की बारिश। उत्तराखंड में हुई तेज बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 75 लोगों की मौत, 3 दिन की रिकॉर्ड बारिश से 2,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। उत्तराखंड के लिमखागा दर्रे में ट्रैकिंग पर गए 17 में से 11 लोगों की मौत हुई, रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का बड़ा ऑपरेशन चला, 4 लोग बचाए गए, 2 अभी भी लापता। उत्तराखंड के हर्षिल में लापता 11 ट्रैकर्स में से 60 ट्रैकर्स के मिले शव, 2 का किया गया रेस्क्यू और 2 अभी लापता। प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी अक्टूबर महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश और बर्फबारी में फंसे 59 सैलानियों को किया गया रेस्क्यू, स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन ने बचाया। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश से जगह जगह पानी भरा, जल भराव से लोगों का आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त। कोरोना से जंग हो रही है और इसमें वैक्सीन बनाने वाली 7 भारतीय कंपनियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, जल्द से जल्द सभी भारतीयों के लिए वैक्सीन मुहैया कराने पर होगी चर्चा। बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डीज लैब और जायडस कैडिला के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, बायोलॉजिकल ई के प्रतिनिधि भी पहुंचेंगे। पिछले 24 घंटों में पूरे भारत से 16,326 कोरोना के केसेस सामने आए, 666 लोगों की कोरोना की वजह से गई जान। केरल में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 27,000 के पार, पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की मौत। कोरोना के बाद हुई जटिलताओं के कारण लोगों की औसत जिंदगी हुई 2 साल कम, मुंबई की IIPS के रिसर्च में खुलासा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जान पर खेलकर वैक्सीन लगा रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी, लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए बांस से बनी नाव का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली में छठ पूजा की अनुमति के लिए 27 अक्टूबर को DDME की बैठक, सीएम केजरीवाल ने LG को चिट्ठी लिखकर अनुमति देने की मांग की। अमेरिका में पूरी तरह से वैक्सीनेट लोगों की बदल सकती है परिभाषा, CDC ने भी दिए संकेत, अमेरिका में अब बूस्टर शॉट पर जोर। तमिलनाडु में लगाए गए 50,000 मेगा कैंप, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा राज्य के पास वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक, भ्रम दूर करने वैक्सीन लगवाने आए लोग। ब्रिटेन में फिर नहीं लगेगा लॉकडाउन, पीएम बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया, ब्रिटेन में बड़े स्तर पर चल रहा है वैक्सीनेशन। बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन सुरक्षित, FDA के मुताबिक 91% तक असरदार, 5 से 11 साल के बच्चों को भी जल्द लगेगी वैक्सीन। गोवा के आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण योजना के लाभार्थियों से रूबरू हुए प्रधानमंत्री मोदी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा लंबे समय तक गोवा में राजनीतिक स्वार्थ और अस्थिरता से नुकसान हुआ, गोवा की जनता ने इस अस्थिरता को स्थिरता में बदला। पीएम मोदी ने लाभार्थियों से पूछा कि कैसे इस योजना से आप लोगों को मदद पहुंची है, कहा कि मछुआरे मछली पालन की प्रोसेसिंग से जुड़कर ज्यादा लाभ कमाए। गोवा के सीएम ने बताया कि ऐसी योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आखिरी आदमी तक पहुंचाने पर किया गया काम। पीएम मोदी ने कहा कि गोवा में विकसित होते इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों, पशुपालकों और मछुआरों की इनकम में मिलेगा बढ़ावा, साथ ही गोवा को मिलने वाले फंड में भी 5 गुना बढ़ाया गया है। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी पहुंची NCB ऑफिस, आर्यन खान के केस में संबंधित डॉक्यूमेंट सौंपे, 1.5 घंटे के बाद दफ्तर से निकली। कल शाहरुख के बॉडीगार्ड पहुंचे थे NCB दफ्तर, NCB को आर्यन केस से जुड़े डॉक्यूमेंट सौंपने की खबर। एक्ट्रेस अनन्या पांडे से सोमवार को फिर होगी पूछताछ, कल NCB के 5 अधिकारियों ने 3.5 घंटे तक पूछताछ की। NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वांगड़े की बहन यास्मीन ने नवाब मलिक के फोटो को बताया फर्जी, कहा कि समीर कभी दुबई नहीं गए, केवल एयरपोर्ट छोड़ने आए थे।
एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े का नवाब मलिक पर पलटवार, कहा ड्रग्स वालों के प्रवक्ता बने। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में फिर नवाज को लेकर बवाल हुआ, विरोध करने आए लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पहुंचे लोग, दोनों समुदाय के लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ इस्कॉन का आज दुनिया भर में प्रदर्शन, कोलकाता में मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं ने गाकर जताया प्रोटेस्ट। श्रद्धालुओं ने बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में मारे गए दो लोगों को श्रद्धांजलि दी, तस्वीर के आगे जलाए कैंडल। अहमदाबाद में इस्कॉन का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, मार्च निकालकर बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर और हिंदुओं पर हमले का विरोध जताया। विरोध मार्च में शामिल हुए सैकड़ों लोग, हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर किया प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। दिल्ली में आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, पेट्रोल 35 पैसे बढ़कर पहुंचा 107 के पार, डीजल करीब 96 रुपए। मुंबई में भी बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, 100 के करीब पहुंचा डीजल पेट्रोल 107 के पार। 28 अक्टूबर से कर्नाटक में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, 350 क्षेत्र के प्रचारक और सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। 28 अक्टूबर से पहले होगी छोटी बैठक, चुनावी राज्यों के राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले का बड़ा बयान, संघ कभी नहीं कहता कि हम दक्षिण पंथी हैं, हिंदू तो ना तो लेफ्ट है ना राइट। दत्तात्रेय हसबोले ने कहा आरएसएस के कई विचार वामपंथ से प्रभावित तो कई विचार दक्षिणपंथी, सभी कोनों से अच्छी चीज लेकर अपने मुताबिक ढालना हिंदुत्व। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को नोटिस भेजा, रोशनी एक्ट में फायदा लेने का आरोप लगाया था। चेन्नई पहुंची लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की अस्थियां, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा 24 अक्टूबर को नागपट्टनम में होगा अस्थि विसर्जन। गाजीपुर बॉर्डर खाली करने पर राकेश टिकैत ने कहा कि 11 महीने लेट हो गए दिल्ली जाने में, रास्ते में डकैत गुंडों ने रोका तो पड़ाव डालना पड़ा। बेंगलुरु में मनाया गया स्वर्णिम विजय वर्ष, 1971 युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के सेलिब्रेशन में शामिल हुए तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी। इस बार महीने भर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र, 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक सत्र चल सकता है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी एमपी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ अनोखा प्रोटेस्ट, प्रज्ञा ठाकुर को सद्बुद्धि देने के लिए उनके घर के बाहर की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, लोगों ने किया जोरदार स्वागत, सीएम ने टीकमगढ़ के लोगों से बात भी की। त्रिपुरा में टीएमसी के जनसंपर्क अभियान के दौरान गाड़ियों पर हमला, सुष्मिता देव ने बीजेपी को भारतीय गुंडा पार्टी बताया। कोरोना के हालात सुधरने के बाद सरकार ने शुरू की हज की तैयारी, नवंबर के पहले हफ्ते में होगा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का ऐलान। बिना महरम हज पर जाने वाली महिलाओं को लॉटरी सिस्टम से मिलेगी छूट, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की घोषणा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने आईटीबीपी की साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी, गोगरा से निकले जवान केवड़िया तक 2700 किलोमीटर का सफर तय कर रहे। गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ एक आरएसएस समर्थक ने दर्ज कराया केस, जावेद ने तालिबान से की थी आरएसएस की तुलना। भीमा कोरेगांव हिंसा का मामला, जांच आयोग ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और आईपीएस रश्मि शुक्ला को 8 नवंबर को पेश होने के लिए कहा। मुंबई के एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे और सुनील माने की जमानत अर्जी खारिज की, दोनों के वकीलों ने एनआईए की चार्जशीट अधूरी होने का दावा किया था। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने खारिज किया अमरिंदर का आरोप, कहा कि मैंने कभी कैप्टन की दोस्त अरुषा के साथ नहीं किया डिनर। रंधावा ने कहा अरुमा का मामला इंटरनेशनल सोनिया के साथ अरुषा की तस्वीर को बताया पुराना। अपनी पाकिस्तानी दोस्त के आईएसआई लिंक की जांच कर पर अमरिंदर सिंह का पलटवार, कहा कि यूपीए सरकार ने दी थी अरुषा को भारत आने की मंजूरी। कैप्टन के पाकिस्तानी दोस्त अरुषा आलम के आईएसआई कनेक्शन की जांच करेगी पंजाब सरकार, डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने कहा अरुषा चंडीगढ़ के सरकारी रेजिडेंस में रही। अमरिंदर ने डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा पर बोला हमला, कहा कि शपथ के लिए एक महीना हुआ है, बेअदबी और ड्रग्स के मामले में आपके वादों का क्या हुआ। सीएम योगी का बिना नाम लिए बोला फिर समाजवादी पार्टी पर करारा हमला, कहा रामद्रोही कभी भी जनता का हितैषी नहीं हो सकता, रामद्रोहियों को पहचानने की जरूरत। राम मंदिर निर्माण पर भी बोले योगी आदित्यनाथ, कहा कि पहले की सरकारों ने मंदिर की राह में खूब लगाए अड़ंगे, आज बीजेपी सरकार में बन रहा है भव्य राम मंदिर। लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, रोजगार पर थपथपाई अपनी सरकार की पीठ, कहा 4.5 साल में 4.5 लाख से ज्यादा दी सरकारी नौकरी। सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार पीएम मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास पर कर रही है काम, समाज के हर वर्ग को दिया है सही सम्मान के साथ उसका हक। पिछड़ों पर बोले योगी आदित्यनाथ, पंचायत चुनाव से लेकर बोर्ड निगम के मेंबर और चेयरमैन पदों पर सबसे ज्यादा पिछड़ों को मिला लाभ। योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में माफिया के कब्जे से मुक्त हुई जमीन पर बनेंगे गरीबों के घर। सीएम योगी ने आवास विभाग से मांगा प्रस्ताव, मुख्तार अंसारी अतीक अहमद समेत माफियाओं से मुक्त कराई है 1850 करोड़ रुपए की जमीन। ललितपुर में किसान की मौत को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही योगी की सरकार। आज शाम 6 बजे कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, यूपी विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट फाइनल करने के लिए बैठक। यूपी में आज से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा, एक साथ 3 शहरों से निकाली जाएगी यात्रा, प्रियंका गांधी बाराबंकी से दिखाएंगी हरी झंडी।
23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। बाराबंकी से बुंदेलखंड, सहारनपुर से मथुरा, वाराणसी से रायबरेली रूट पर अलग अलग नेताओं के हाथों की यात्रा की कमान। आज मेरठ के किठोर में असदुद्दीन ओवैसी का शोषित वंचित समाज सम्मेलन। 27 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर और 31 अक्टूबर को सहारनपुर जाएंगे ओवैसी। गोवा चुनाव की तैयारियों में टीएमसी, ममता 28 अक्टूबर को करेगी गोवा का दौरा। बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों को एकजुट होने को कहा। राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे पर वसुंधरा राजे ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि चाहने से कुछ नहीं होता है, जिसे 36 कौम का प्यार मिलेगा वही करेगा शासन। वसुंधरा राजे ने बहू की बीमारी को बताया हाल के दिनों में अपनी कम सक्रियता की वजह, राज्य में कांग्रेस को बताया डूबता जहाज। सामरा के जरिए शिवसेना का बीजेपी पर हमला, कहा कि हमें हिंदुत्व का प्रवचन ना दे बीजेपी, बीजेपी के हिंदुत्व के चलते हिंदू खतरे में। शिवसेना ने जम्मू कश्मीर में 2 केंद्रीय मंत्रियों को तैनात करने को कहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एसटी मोर्चा के नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक की शिरकत करेंगे और आज ही कार्यक्रम की शुरुआत रांची में होगी। बिहार कांग्रेस चीफ भक्त चरण दास का बयान, आरजेडी से हमारी दोस्ती नहीं, चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। कांग्रेस पर आरजेडी नेता मनोज झा का पलटवार, कहा कि पहले जमीनी हकीकत को जान ले कांग्रेस, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस स्वतंत्र है। मनोज झा ने पीएम मोदी पर भी उठाए सवाल, कहा अपने मंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त कर पा रहे हैं पीएम, अजय मिश्रा को हटाए बिना न्याय की उम्मीद करना बेमानी। पटना पहुंचे कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जारी की किसान कल्याण योजना की दूसरी किस्त, मध्य प्रदेश के 44 जिलों के 77 लाख किसान परिवारों को 1,540 करोड़ रुपए भेजे गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार में अन्न का उत्पादन 3 गुना बढ़ा है, 2 करोड़ मेट्रिक टन से 6 करोड़ मेट्रिक टन हुई है अन्न की पैदावार। दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश सचिव और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात, दोनों के बीच द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, आपसी संबंधों को बेहतर बनाने पर बात। यूरोपीय ग्रीन डील के कार्यकारी उपाध्यक्ष मिले विदेश मंत्री, व्यापार और निवेश को लेकर बातचीत हुई। ब्रिटेन के सीडीएस सर निकोलस कार्टर से भी मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक पर बातचीत। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान, भारतमाला परियोजना के तहत देश में 35 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे। बॉर्डर पर चीन पाकिस्तान की गतिविधियों को लेकर अलर्ट, भारतीय सेना सोमवार को हाई लेवल मीटिंग। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया, डिफेंस सिस्टम को मिलेगी मजबूती। जम्मू कश्मीर के बारामूला में इंडियन आर्मी ने पहला एथलीट इवेंट का आयोजन किया, बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अमेरिकी सरकार के साथ 423 करोड़ का समझौता, नेवी को मिलेंगे MK-54 टॉर्पीडो। कानपुर के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां, काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। राजस्थान के किशनगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पर ट्रकों की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 2 घायल। गाजियाबाद में न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश, आरोपियों के 8 बैंक अकाउंट जब्त। महाराष्ट्र के पुणे में बीती रात बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत, करीब 12 लोग घायल। लखनऊ में एक हफ्ते में तेजी से बढ़े डेंगू के केस, हर दिन 30 से ज्यादा केस आ रहे हैं पॉजिटिव, निजी हेल्थ ने कहा हालात काबू में। मुरादाबाद में रामगंगा और कोसी नदी में आई बाढ़ के बाद पानी का कम होना शुरू हुआ, लोगों की मुश्किल अब भी जारी। बारामूला में पैरा एथलीट को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आयोजन, भारतीय सेना और मेडिकेयर सोसाइटी की पहल। हरियाणा के सीनियर आईएएस ऑफिसर खेमका का 54वीं बार तबादला हुआ, फिर अनिल विज के महकमे में बने प्रधान सचिव। केरल में नवंबर से खुलेंगे स्कूल, स्कूलों के साथ ही मिड डे मील योजना भी शुरू होगी। यूपी के मुरादाबाद में महिला ने दिवाली के लिए बनाए चॉकलेट पटाखे, हल्दी और केसर से बनाए गए पटाखे। यूपी के अलीगढ़ में बढ़ी मिट्टी के उत्पादों की मांग, त्योहारों के चलते मांग बढ़ने से कारीगर खुश। गाजियाबाद में बड़े सब्जियों के दाम, लोगों की जेब पर असर पड़ा। प्रयागराज में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 7 बाइक और 1 कार बरामद। यूपी के अयोध्या में इंटरनेशनल वैश्य सम्मेलन का आयोजन हुआ, मंत्री नंदगोपाल नंदी ने लिया हिस्सा। T20 विश्व कप में आज से शुरू होंगे सुपर 12 के मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच से होगा आगाज, दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा पहला मैच। सुपर 12 के आज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज होंगे आमने सामने, शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। विश्व कप के मुख्य मुकाबले के लिए सभी 12 टीमों के नाम फाइनल राउंड 1 से स्कॉटलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नामीबिया की टीमों की हुई एंट्री। कल के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 8 विकेट से हराया, सुपर 12 में मारी एंट्री। विश्व कप के हाई वोल्टेज मैच में कल भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, दोनों टीमें कर रही हैं जीत का दावा। T20 वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान के साथ मैच से पहले प्रैक्टिस में जुटी टीम इंडिया, थ्रो डाउन करते नजर आए मेंटर महेंद्र सिंह धोनी। हार्दिक पांड्या को लेकर चिंता बरकरार, प्रैक्टिस के दौरान पांड्या ने नहीं की गेंदबाजी। कल पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिए टीम इंडिया के फैंस ने की कानपुर में हनुमान मंदिर में पूजा, टीम की जीत के लिए दुआ। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने की जसप्रीत बुमराह की तारीफ, बेस्ट T20 बॉलर बताया शाह, अफरीदी से तुलना बेवकूफी। भारत के साथ मुकाबले पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का दावा, कहा कि इतिहास जो है वो है लेकिन हम मैच जीतेंगे।
भारत और पाकिस्तान मैच पर बोले शोएब अख्तर, कहा भारत की टीम मजबूत, भारत के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का पासा पलट सकते हैं। विराट कोहली के T20 कप्तानी छोड़ने के फैसले पर सौरभ गांगुली ने चुप्पी तोड़ी, कहा कि विराट के फैसले से हैरान था, बोर्ड ने कप्तानी छोड़ने का दबाव नहीं बनाया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड की टीम को बताया अंडरडॉग, कहा न्यूजीलैंड के कुछ सालों की बेहतरीन क्रिकेट खेला है। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम ने की सूर्य कुमार यादव की तारीफ, कहा कि T20 विश्व कप में भारत के लिए साबित होंगे गेम चेंजर। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के बचाव में आए कप्तान एरॉन फिंच, कहा वार्नर की काबिलियत पर भरोसा, वार्नर पहला मैच खेलने के लिए तैयार। भारत और इंग्लैंड के बीच अगले साल जुलाई में खेला जाएगा 5वां टेस्ट, कोरोना के कारण पिछले महीने रद्द हुआ था आखिरी टेस्ट मैच। डेनमार्क ओपन से बाहर हुई पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में कोरियन खिलाड़ी से मिली हार। पोप फ्रांसिस ने की फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी की तारीफ, कहा कि शानदार करियर के बावजूद उन्होंने सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। सीरिया में ड्रोन हमले में मारा गया अलकायदा का सीनियर नेता अब्दुल हामिद, अमेरिका ने किया बड़ा दावा। पाकिस्तान में कट्टरपंथी और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, दो पुलिस वाले समेत 4 लोगों की मौत, 15 घायल। तहरीक अलबाइक के कार्यकर्ता अपने नेता की रिहाई की मांग को लेकर लाहौर से इस्लामाबाद तक निकाल रहे हैं मार्च, पुलिस ने रैली रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े तो बिगड़े हालात। मुजफ्फराबाद समेत पीयूके के कई शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी आक्रमण में मारे गए थे लोग, उनको दी गई श्रद्धांजलि। बांग्लादेश में कैंप में रोहिंग्या शरणार्थियों के 2 गुटों में हिंसक झड़प, 6 लोगों की मौत, 10 घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चलाया तलाशी अभियान, 1 रोहिंग्या शरणार्थी को हिरासत में लेकर पूछताछ। मेक्सिको में एक रेस्तरां में शूट आउट, 2 विदेशी लोगों की मौत, 3 घायल। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जमीन विवाद में फायरिंग का शक। रूफ की गन पाउडर फैक्ट्री में ब्लास्ट, 16 लोगों की हुई मौत। इटली के मिलान में जलवायु परिवर्तन एक्टिविस्ट का प्रदर्शन, COP26 कॉन्फ्रेंस को देखते हुए जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए कार्रवाई की मांग। जलवायु परिवर्तन पर होने वाली COP26 कॉन्फ्रेंस को लेकर स्टॉकहोम में सड़कों पर उतरे लोग, ग्रेटा थनबर्ग ने कहा केवल बातों से कुछ नहीं होगा, उठाने होंगे ठोस कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच फोन पर हुई बात, यूरोपीय डिफेंस को मजबूत करने पर चर्चा। अमेरिका में जरूरी चीजों की सप्लाई में भारी कमी, डिमांड बढ़ने से कीमतों में तेज उछाल आने से बढ़ी महंगाई, प्रेसिडेंट बाइडेन ने सप्लाई चेन बढ़ाने के दिया आदेश। हैती में 9 हिंसक समूहों ने बनाया G9 गठबंधन, देश की राजधानी में हथियारों के साथ किया मार्च, 17 ईसाई मिशनरियों के अपहरण में हाथ होने से इनकार किया। ताइवान को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर व्हाइट हाउस की सफाई, कहा चीन को लेकर नीतियों में नहीं आएगा कोई बदलाव। यूरोपीय संघ के नेताओं ने पोलैंड के प्रधानमंत्री से बात कर, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि दबाव बनाने की जगह पोलैंड सरकार से ठोस जवाब की उम्मीद। फ्रांस में लगातार बढ़ रही है पेट्रोल की कीमतें, सरकार ने कम और मध्यम आय वाले लोगों को $116 की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के PM की मेजबानी, कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों में आई है मजबूती, सीरिया के हालात और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर भी चर्चा हुई। ताजिकिस्तान में रूस और ताजिकिस्तान की सेनाओं की ज्वाइंट ड्रिल, बाहरी खतरे से निपटने की तैयारी। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र का अनुमान, 95% लोग होंगे भुखमरी के शिकार। गुलशन ग्रोवर ने बैटमैन LLP के मेंस ग्रूमिंग मल्टी प्रोडक्ट को किया लॉन्च, कंपनी के MD ने कहा सभी प्रोडक्ट आयुर्वेदिक। इस मौके पर गुलशन ग्रोवर की बायोग्राफी बैटमैन का हिंदी अनुवाद भी लॉन्च हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चालू वित्त वर्ष के दूसरे क्वार्टर के नतीजों का किया ऐलान, नेट प्रॉफिट 43% तक बढ़ा, 13,680 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा। फिल्म सूर्यवंशी के आइला रे आइला गाने पर डांस करते नजर आए अक्षय कुमार और रणवीर सिंह। न्यूजीलैंड में 5.9 तीव्रता का भूकंप, उस वक्त प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न कर रही थी मीडिया से बात। अमेरिका के अरिजोना में लुटेरों ने की सेना के जवान को लूटने की कोशिश, सेना के जवान ने लुटेरों को मारकर भगाया। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एमट्रैक ट्रेन ने कारों से लदे हुए ट्रक को मारी जबरदस्त टक्कर, ट्रक के उड़े चिथड़े। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के कार्यक्रम में मंच पर आया बच्चा पोप की टोपी खींचने की कोशिश। साउथ कोरिया में स्क्विड गेम की पोशाक में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज, रोजगार की कर रहे थे मांग। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में ITBP की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का बनेगा म्यूजिकल प्ले, DDLG के म्यूजिकल में अमेरिकी लड़के और भारतीय लड़की की लव स्टोरी दिखाई जाएगी। सलमान खान ने शेयर किया फिल्म अंतिम का नया पोस्टर, दमदार लुक में नजर आए आयुष शर्मा। क्रिकेट की दुनिया में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की एंट्री के चर्चे, IPL टीम खरीदने की रेस में हो सकते हैं शामिल, 25 अक्टूबर को होगी टीम की बिडिंग की शुरुआत। अमृतसर पहुंची यामी गौतम, पति आदित्य संग गोल्डन टेंपल में मत्था टेका, न्यूली मैरिड लुक में आई नजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।